एक बार चाइना की एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री थी जहाँ लगभग 500 भिक्षु एक साथ रहते थे। वो सब अपने मास्टर से आत्मज्ञान का शिक्षण ले रहे थे। एक बार एक व्यक्ति मोनेस्ट्री में भिक्षु बनने की इच्छा से आया। उसने जैन मास्टर से कहा, गुरुजी, मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, मैं सच को जानना चाहता हूँ। गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम सच को जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन इसमें लगाना होगा। तुम्हारा शायद पूरा जीवन सच जानने में लग जाए, लेकिन फिर भी हो सकता है तुम्हें सच का पता ही ना चल सके। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरुजी बोले, ऐसा है तो एक काम करो, इस मोनेस्ट्री में 500 भिक्षु रहते हैं, तुम आज से उनके लिए धान कूटने का काम करो। सुबह से शाम तक सिर्फ धान कूटना होगा। जब थक जाओ तो सो सकते हो, और जब उठो तो फिर धान कूटना शुरू कर देना। और कुछ भी मत करना, किसी चीज के बारे में मत सोचना, बस इसी रास्ते पर चलना, और मेरे पास दोबारा मत आना। जब जरूरत होगी तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस व्यक्ति ने गुरुजी के निर्देशानुसार धान कूटना शुरू कर दिया। उस मोनेस्ट्री में लगभग 500 भिक्षु थे, उन सबको वक्त पर खाना चाहिए था, इसीलिए वो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता और देर रात तक धान कूटता रहता। जब वे थक जाता तो वे उसी कमरे में सो जाता जहां वो धान कूट रहा होता था। वो किसी से बात नहीं करता और ना ही कोई उससे बात करने के लिए आता। कुछ महीनों तक धान कूटते हुए उसके मस्तिष्क में पुराने विचार आते रहे, पर जब विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो धीरे धीरे वो कम होने लगे और समय के साथ वो गायब हो गए। और कुछ सालों बाद वो अपना नाम तक भूल गया। वो चुपचाप अपनी निर्विचार मुद्रा में धान कूटता रहता, ना वो ध्यान में बैठता और ना ही कोई ग्रंथ पढ़ता। मोनेस्ट्री में भिक्षुओं के मुखिया उसे मूर्ख समझते और अपने से बहुत ओछा मानते। 12 साल यूं ही बीत गए। 12 साल बाद एक दिन जैन गुरुजी ने ऐलान किया कि उनका आखिरी समय अब नजदीक है और मुझे अब अपना उत्तराधिकारी चुनना है। इसीलिए जिस भी भिक्षु को लगता है कि उसे आत्मज्ञान हो चुका है, वो रात को मेरे दरवाजे के बाहर चंद पंक्तियां लिखे जो उसके अनुभव को दर्शाती हों। बहुत सारे भिक्षुओं ने ऐसा करने के बारे में सोचा। मोनेस्ट्री में भिक्षुओं के मुखिया ने दरवाजे के बाहर जाकर चंद पंक्तियां लिख डाली। उसे बुद्ध शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था। सभी भिक्षुओं को वही अगला संभावित जैन गुरु लगता था। उसने लिखा था, मन एक शीशे की तरह है जिसके ऊपर विचारों और इच्छाओं की धूल जमती रहती है। इस धूल को साफ करने का तरीका है ध्यान। जिसकी धूल साफ हो जाती है और मन का शीशा साफ हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। जब जैन मास्टर सुबह उठे और उन्होंने वे पंक्तियां पढ़ी तो वे बहुत नाराज हुए और बोले, किस मूर्ख ने ये बेकार पंक्तियां मेरी दीवार पर लिखी है। मुखिया ने चुप्पी साध ली। हालांकि वो पंक्तियां उसने जो लिखी थी वे बुद्धिमता से भरी हुई थी, लेकिन वे सब किताबी ज्ञान था। मुखिया बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां तो लिख दी थी लेकिन अपना नाम नीचे नहीं लिखा था, क्योंकि उसे खुद भी उन पंक्तियों का सही और गलत होने पर संशय था, क्योंकि उसे आत्मज्ञान नहीं मिला था। मास्टर ने उन पंक्तियों को सिरे से खारिज कर दिया। हर कोई बहुत हैरान था। सारी मोनेस्ट्री में इस बात की चर्चा होने लगी। दो भिक्षु बात करते करते उस धान कूटने वाले व्यक्ति के पास से गुजर रहे थे जो पिछले 12 वर्षों से यही काम कर रहा था। वे व्यक्ति उनकी बातें सुनके हौले से हंसा।
भिक्षुओं ने उसके हंसने का कारण पूछा, क्योंकि उनकी नजरों में वे बहुत ही मामूली व्यक्ति था। उन्होंने उसे कभी शास्त्र पढ़ते या ध्यान लगाते नहीं सुना था। उनके लिए वे एक मूर्ख था जो दिन रात धान कूटता रहता है। उस मोनेस्ट्री में अनेक महान बुद्धिजीवी थे और वे धान कूटने वाला व्यक्ति उनकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं रखता था। इसीलिए उसे हंसता हुआ देखकर उन्हें हैरानी हुई। वह व्यक्ति बोला, मैं इसलिए हंसा क्योंकि मास्टर सही कह रहे हैं, ये पंक्तियां व्यर्थ हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। भिक्षुओं को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने उससे पूछा, तो क्या तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे बेहतर हो? व्यक्ति बोला, मैं लिख तो नहीं सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, पर हाँ मैं बता सकता हूं, अगर आप वो पंक्तियां लिख दें तो मैं आपके साथ जाने को तैयार हूं। वो मान गए और रात को वे मास्टर के कमरे के बाहर पहुंचे। उस व्यक्ति ने कुछ पंक्तियां कहीं और उन भिक्षुओं ने उसे दीवार पर लिख दिया और नीचे धान कूटने वाला लिख दिया। उन्हें लग रहा था कि मास्टर इसे पढ़कर भी नाराज ही होंगे। जो पंक्तियां उसने लिखने को कही थी वे कमाल की थी। उसने कहा था, मन एक छलावा है, ना तो कोई मन है और ना कोई शीशा, और जब मन ही नहीं होगा तो धूल कहाँ जमेगी। जो ये जानता है वो सच को जानता है। जब जैन मास्टर ने ये पंक्तियां पढ़ी तो वे आधी रात को उठकर धान कूटने वाले के पास पहुंचे। उन्होंने उसे उठाया और कहा, ये लो, ये मेरी छड़ी और वस्त्र है, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, पर इस मोनेस्ट्री को अभी छोड़ दो और चले जाओ। इस मोनेस्ट्री में अनेक बुद्धिजीवी रहते हैं जो खुद को तुमसे कई बेहतर समझते हैं। वो तुम्हें मार देंगे। वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक धान कूटने वाले को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलती है। उस व्यक्ति ने मास्टर के पैर छुए और उसी रात मोनेस्ट्री को छोड़ दिया। हम अपने जीवन में भी यही देखते हैं कि ध्यान एक जगह पर बैठकर बिना कुछ किए ही लगाया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान का अभ्यास चलते हुए, कोई काम करते हुए भी किया जा सकता है। ध्यान का सही अर्थ है कि आप जो भी करें आप उसमें इस हद तक खो जाएं कि आपको अपने शरीर का भी आभास ना रहे। उस धान कूटने वाले व्यक्ति ने अपने आप को उस काम में इस कदर डुबा दिया कि उसे और किसी चीज का ध्यान नहीं रहा और उसे आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया। उसी तरह जैन का अर्थ है कि वर्तमान में रहना, बिना कुछ और सोचे, क्योंकि विचार होंगे तो मन होगा। जब कोई विचार ही नहीं होगा तो मन भी अदृश्य हो जाएगा, और जब मन ही नहीं होगा तो आपकी सच्ची पवित्रता ही रहेगी। इसीलिए हमें अपना सच्चा परिचय पाने के लिए किसी आत्म शिक्षा की जरूरत नहीं है। हम जो भी करें बस उसमें खुद को डुबा लें, काम के साथ अपने आप को इतना आत्मसात कर लें कि आपका काम ही ध्यान बन जाए।